नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट कर लेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आप भी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले और एक मतलब महत्वपूर्ण न्यूज़, वो ये है कि अगर आपको भी फुल एंड फाइनल टीम चाहिए तो जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और लॉस कवर कैसे करना है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए हम लोग चालू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो आज इस मैच के बारे में बात करेंगे, किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, पहला बात करेंगे हम लोग यहाँ पर से भेनू, दूसरा करेंगे स्टैट्स के ऊपर, फिर देखेंगे हेड टू हेड रिपोर्ट क्या होने वाला है, फिर हम लोग बात करेंगे प्लेयर बैटल, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन, और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन। तो चलिए दोस्तों, पहले जो हम लोग फिलहाल के लिए पहला टॉपिक जो है उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे कि भेनू, भेनू के ऊपर बात करेंगे। तो चलो, जैसे हम लोग भेनू के ऊपर बात करेंगे, आपको पहले देखने को मिल जाए ये जो भेनू होने वाला है, ये भेनू होने वाला है कहाँ पर, पंजाब क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच होने वाला है, जो कि मोहाली पर एस्टेब्लिश्ड है। ये जो मैच का टाइमिंग होने वाला है 7:30 बजे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 7:30 बजे होने नहीं वाला, ये एक्चुअली मैच जो है 3:30 में ये मैच स्टार्ट होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। वेदर की अगर बात करेंगे तो भाई 19 डिग्री, यानी कि भाई थोड़ा सा बहुत बारिश होने का चांसेस है, और थोड़ा सा भाई ठंडी एरिया होने वाला है। एवरेज स्कोर जो 155 से लेकर 165 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, और गुड फॉर स्पिनर, यानी कि ये जो पिच है ज़्यादातर स्पिनर को फेवर करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहीं पर देखेंगे कि स्पिनर ने कितना विकेट निकाला और फर्स्ट गेंदबाजों ने कितना विकेट निकाला। यहाँ पर स्पिनर ने टोटल निकाला है 73 विकेट लास्ट 10 मैचों के अंदर, एंड पेसर ने निकाला है 44 विकेट कितना मैचों के अंदर, लास्ट 10 मैचों के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्पिनर को ज़्यादा से यहाँ पर मदद मिलता है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने विन किया है 40% टाइम, और बॉलिंग फर्स्ट ने विन किया है यहाँ पर 60% टाइम। तो कहीं ना कहीं जो भी पहले टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग लेने का सिद्धांत लेने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इस पिच पर कितना कितना रन बना है लास्ट 3 मैच या 2 मैचों के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते। तो जैसे हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर पहले ही देखने को मिल जाएगा 20 तारीख को 2022 को यह मैच खेला गया था, उस पर जो है इन्होंने रन बनाया था, इंडिया और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था, जहां पर कि 208 रन हुआ था, और वो जो है ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेस कर लिया था। यहां पर पेसर ने निकाला था 8 विकेट एंड स्पिनर ने निकाला था 4 विकेट। फिर दूसरा मैच देखेंगे तो 18 सितंबर को हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में 149 में 5 विकेट दिया था साउथ अफ्रीका ने, और भाई इंडिया ने भाई आराम से इसको चेस कर लिया था 151 पर, यानी कि चेजिंग टीम का थोड़ा सा यहाँ पर मदद ज़्यादा रहता है। पेसर ने यहाँ पर 5 विकेट निकाला, स्पिनर ने 3 विकेट निकाला, लास्ट 2 मैच में खास तरीके से स्पिनर ने विकेट नहीं चटका पाया है। और यहीं पर अगर बात कर लेंगे इस भेनू के बाकी के डिटेल्स के बारे में, तो ये जो भेनू है ये पंजाब ने भाई 10 मैच जीता है, ठीक है, और 8 मैच इसी ग्राउंड पर, सॉरी यहाँ पर 10 मैचों का पंजाब का 10 मैच खेला गया है, जिसमें से 8 मैच पंजाब ने जीता है। और केकेआर का इस ग्राउंड पर टोटल 7 मैच हुआ है, जिसमें से 4 मैच केकेआर ने विन किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों का आंकड़ा इक्वलिटी पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हम लोगों का टेलीग्राम चैनल। अब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर आपको पता चलेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड किया जाता है फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो देर ना करते हुए जल्दी जाओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है, क्योंकि फुल एंड फाइनल जो टीम कॉम्बिनेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है ये आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, और आगे चलकर हम लोग देख लेंगे कि लॉस कवर कैसे कर सकते हो। देखो, माय मास्टर 11 पर आ चुका है टोटल 1 लाख का गिव अवे फ्री में, वो भी शकील भाई के तरफ से 1 लाख का गिव अवे। तो देर ना करते जल्दी जाओ डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ। डाउनलोड करते वक्त भी आप पैसा कमा सकते हो, अगर जिस टाइम आप डाउनलोड कर रहे हो उस टाइम अगर आप ये रेफर कोड यूज़ करते हो शकील44, तो आपको मिल जाएगा 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश। समझ रहे हो, 200 रुपये का एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा अगर आप मेरा ये रेफर कोड यूज़ करते हो शकील44। तो
और हाँ, जैसे डाउनलोड करोगे 200 रुपये कैश, रियल कैश मिल गया। उसके साथ साथ यहाँ पर 1 लाख का गिवअवे है, जहाँ पर आप 5 टीमों के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि 5 टीम, यानी कि 5 टीमों का भाई कितना रुपए करके एंट्री फीस होता है, 50 रुपये करके, तो मल्टीपल 50, तो टोटल कितना हो गया 250 रुपीज़। यानी कि आप डाउनलोड करके गिवअवे में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आपको रेफर कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 250 रुपीज़ और इंक्लूड कर लो। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड करके आप अगर मेरा रेफर कोड यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 450 रुपये, वो भी फ्री में। कोई भी 1 रुपये नहीं देता, आपका शकील भाई दे रहा है। देर ना करते हो, जल्दी जाओ। और ये जो 1 लाख का गिवअवे है, ये IPL में हर मैच में चलने वाला है, वो भी 5 टीमों के साथ। तो देर ना करते, जल्दी जाओ, माई मास्टर को डाउनलोड कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। रेफर कोड जरूर यूज कर लेना, Shakeel44, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि 450 रुपये का बात है भाई। रेफर कोड यूज करते 450 मिलेगा, देर किस बात का, जल्दी जाओ। तो चलो दोस्तों, अभी जो हम लोग थोड़ा सा किसी और टॉपिक पर आने के प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। अभी प्रिडिक्शन की तरफ आने से पहले फिर से माई मास्टर का ऑफर आ गया, मैं क्या करें बताऊं। माई मास्टर पर चल रहा है मेगा लीडर बोर्ड, कितना रुपए का, 1 करोड़ का, जो कि आप जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो, देखो, आप अगर पहला रैंक आते हो लीडर बोर्ड में, MG ग्लोस्टर आपको देखने को मिल जाएगा, XUV 700, टाटा सफारी बुलेट, और उसके साथ S23 अल्ट्रा आपको मिल सकता है। कैसे खेल कर, मेरा तो मन है भाई ये वाला जीतने का, टाटा सफारी। थर्ड बोल कर नहीं, पहला बोल कर नहीं, ये भाई ड्रीम कार है अपना, बहुत जल्द ले लेंगे, टेंशन नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए बात यह है कि आप डाउनलोड करते ही आपको इतना सारा इनाम मिलने लग जाएगा, अगर आप खेलते हो तो। और उसके साथ साथ आपको रियल कैश भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कैश नहीं मिलेगा, कैश भी मिलेगा। मैकबुक मिलेगा, वन प्लस TV मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 15,000, 10,000, 5,000, 2 लाख, 2,000, 1,000 करके हर एक कॉन्टेस्ट में आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो देर ना करते जाओ फटाक से यार, रेफर कोड यूज़ कर लेना। क्या मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, SAKIL, Shakeel44, ये रेफर कोड यूज करोगे तो टोटल 450 का आपका अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। फिलहाल के लिए चलो, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग जो है पहले ही हम लोग बात कर लेंगे पंजाब किंग्स के तरफ से। तो पंजाब किंग्स के तरफ से आपको पहले देखने को मिलेगा अपना यहाँ पर से शेखर धवन, जिसका परसेंटेज यहाँ पर 89% है। अब परफॉर्मेंस देखें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 3/28, 7/8, 3, लास्ट कुछ मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लेकर चला है। मैं आप लोगों को पर्सनली प्रेफर करूंगा ग्रैंड लीग में आप लोग शेखर धवन को फ्लॉप करके चलो, 90% चांस ये है कि शेखर धवन फ्लॉप जाएगा। अब क्यों जाएगा वो चीज आपको आगे चलकर पता चलेगा, 90% चांस है भाई शेखर धवन फ्लॉप जाएगा। तो जो लोग ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग शेखर धवन को थोड़ा सा ड्रॉप करके चलना। मैच शॉट देखने को मिल जाएगा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 40 के साथ 1 विकेट, 0 के साथ 0 विकेट, 1 विकेट, 108 के साथ 0 विकेट, 3 के साथ 0 विकेट। अब इसका सिलेक्शन देखो 11% है। अब मैथ्यू शॉट जो है ना, इसको आप अपने टीम में शामिल भी कर सकते हो, कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। ग्रैंड लीग हो, स्मॉल लीग हो, आप हर जगह इसको कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, आपको ये आराम से आपका ग्रैंड लीग जीता सकता है। चलने का भी चांसेस है, सिलेक्शन कम है, तो उस दौरान आपको टीम में शामिल करके कैप्टन वाइस कैप्टन से भी चुनना है, ये चीज ध्यान रखना। फिर लियाम लिविंगस्टन की बात करेंगे तो राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 36 के साथ 2 विकेट। लियाम लिविंगस्टन बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो, इसका परसेंटेज भी बढ़िया है, तो टीम में रखो भाई, ठीक है। फिर आपको देखना मिल जाए ऋषि धवन, राइट हैंड राइट आर्म मीडियम, 27 के साथ 4, मैच का मौका नहीं मिला, 4 के साथ 1 विकेट 1 विकेट, और 39 के साथ 0 विकेट। ठीक ठाक खिलाड़ी है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि चलने का भी चांसेस रहता है, फ्लॉप होने का भी चांसेस रहता है, ये थोड़ा सा एवरेज पकड़ लो, ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। फिर आपको देखने को मिल जाएगा 6% में आपको देखने को मिल जाएगा जितेश शर्मा, ठीक है। जितेश शर्मा राइट हैंड बैट्समैन, 48 रन, मैच का मौका मिला 12/19। ये जो खिलाड़ी है ना, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है भाई, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। और इसको देखकर तो मुझे कहीं कहीं राहुल का जो वो स्टार्टिंग पॉइंट था, जब KL राहुल पहला डेब्यू किया था बैंगलोर के टाइम पर खेल रहा था, उस टाइम का जो उसका लुक था और इसका लुक सेम मिलता है, और बैटिंग करने का भी लगभग 80% क्वालिटी सेम है। तो जितेश शर्मा को आप अपने टीम में शामिल करके रख सकते हो। और हाँ, जो लोग ग्रैंड लीग टेकर हो वो लोग ऋषि धवन को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऋषि धवन को कैप्टन वाइस कैप्टनसी कर सकते हो किस जगह पर, जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो।
शाहरुख खान राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स 28 के साथ 0-29-46-0 और मैच का मौका नहीं मिला। भले ये बैटिंग सेक्शन पर है, सिलेक्शन भी बहुत कम है, लास्ट आईपीएल में तो कुछ खास कुछ करके दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर इन बाई चांस मान के चलो पंजाब किंग्स का विकेट जल्दी गिरता है तो दैट केस में शाहरुख खान एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंसी पिक बन जाएगा। ठीक है, तो 90% सिलेक्शन में सैम कुरन लेफ्ट हैंड बैट लेफ्ट आर्म और फर्स्ट और 33 के साथ 29 के साथ 2 6 के साथ 0 12 के साथ 1 और उसके साथ 4 के साथ 0 खास इंपॉर्टेंस होने नहीं वाला है, बहुत नीचे बैटिंग करने आने वाला है। मैं अपने साइड से कैप्टन वाइस कैप्टनसी तो प्रोवाइड नहीं करूंगा, आगे आप लोगों का मर्जी, भले ही भाई हाई प्राइस में बिकाऊ लेकिन फिर भी। हरप्रीत ब्रार की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड बैट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ये जो हरप्रीत ब्रार है ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक हो जाएगा, अपने टीम में शामिल करके रखना, कैप्टन वाइस कैप्टनसी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर आपको देखना मुझे 75% में हरदीप सिंह लेफ्ट आर्म मिड फर्स्ट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट ये भाई एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस पिक हो जाएगा, टीम में शामिल कर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट गेंदबाजों के लिए पिच है नहीं। फिर आपको राहुल चार लेग ब्रेक 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट ये जो राहुल चार है बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, इसको आप अपने टीम में शामिल करके रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन से प्रोवाइड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो लोग ग्रैंड लीग टेकर हो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो वो लोग आराम से राहुल को भाई कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, जो लोग रिस्क लेना चाहते हो ध्यान से सुनना। ठीक है, रबड़े की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट आर्म फर्स्ट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो, ओपनिंग में 3 ओवर कंप्लीट कर लेगा तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की चॉइस तो होता है, ओपनिंग में 3 ओवर कंप्लीट करना तो लास्ट में जाकर 1 ओवर करेगा और उस 1 ओवर में विकेट मिलेगा या ना मिलेगा तो इस चीज़ को तो जो है थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करवाता है, तो इसी वजह से आप किसी अगर रबड़े के ऊपर थोड़ा सा डाउटफुली जा सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों अभी जो हम लोग देखेंगे कि पंजाब किंग्स का कोलकाता के अगेंस्ट में कितना रन है, कौन सा प्लेयर ने कितना अच्छा खेला है और इस वेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है, तो चलिए दोस्तों अभी जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पंजाब किंग्स के तरफ से पंजाब किंग्स का प्लेयर और वगैरह वगैरह चीज। तो जैसे हम लोग यहां पर से देखेंगे यहां पर जो है कोलकाता के अगेंस्ट में पंजाब का टोटल 30 मैच खेला गया है, टोटल 30 मैच खेला गया है, यहां पर देख सकते हो टोटल 30 मैच खेला गया है जिसमें से पंजाब ने 10 मैच ही विन किया है, यानी कि 20 मैच जो है भाई किसने विन कर रहा है, कोलकाता ने विन किया, यानी कि कोलकाता के सामने पंजाब जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो चलो अभी जो हम लोग फिलहाल के लिए टॉपिक पर वापस आते हैं और इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले देखना होगा शेखर धवन केकेआर के अगेंस्ट में 29 गेंदों पर 810 रन मारा है, कुछ खास यहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा, 30 का एवरेज नजर आ रहा है, 15 मैच पर 439 रन वेन्यू में। ठीक है, लियाम लिविंगस्टन 2 मैच में 25 रन के साथ 1 विकेट केकेआर के अगेंस्ट में वेन्यू में मैच नहीं है, ऋषि धवन 3 मैच में 37 रन के साथ 1 विकेट कोलकाता के अगेंस्ट में और 11 मैच में 238 रन में 9 विकेट इस वेन्यू में, यानी कि वेन्यू में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ हम लोगों का किसका, ऋषि धवन का। शाहरुख खान की अगर बात करें तो 3 मैच में 35 रन कहाँ पर, कोलकाता के अगेंस्ट में वेन्यू में मैच नहीं है। सैम कुरन 5 मैच में 89 रन के साथ 3 विकेट निकाला कोलकाता के अगेंस्ट में और बैटिंग से भाई यहां पर देख सकते हो 8 मैच में 87 रन 7 विकेट निकाला वेन्यू में, तो वेन्यू में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा है सैम कुरन का। फिर हरप्रीत ब्रार 1 मैच में 14 रन के साथ 0 विकेट भाई बॉलर है भाई फिर भी रन गिना रहा है क्या ही बताऊं, और 1 मैच में 0 विकेट वेन्यू में खास इंपॉर्टेंस नहीं। अर्शदीप सिंह 6 मैच में 5 विकेट कोलकाता के अगेंस्ट में 2 मैच में 2 विकेट कहां पर, वेन्यू पर, तो ठीक ठाक है। राहुल चार 7 मैच में 11 विकेट कोलकाता के अगेंस्ट पर, जैसे कि मैंने राहुल के बारे में बताया, राहुल चार के बारे में कि पहले ही बताया राहुल चार के बारे में, इसको भाई ग्रैंड लीग टेकर जो लोग है वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने टीम में शामिल कर सकता है। वेन्यू में मैच नहीं है किसा को रॉबर्ट 9 मैच में 12 विकेट और 3 मैच में 2 विकेट वेन्यू में। अब भाई यहाँ पर देखो 9 मैच में 12 विकेट जो केकेआर के अगेंस्ट में लिया ओपनिंग में ज़्यादातर विकेट लेकर जाता है ये बंदा। ठीक है, तो किसा को रॉबर्ट थोड़ा सा डाउटफुल ही है ध्यान रखना। फिर आपको देखना नथन एलिस 1 मैच में 0 विकेट 1 मैच में 3 विकेट इस वेन्यू में, तो वेन्यू में परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन कोलकाता के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। देखेंगे नथन एलिस अगर खेलता है, शायद नहीं खेलेगा, शायद चोटिल है, शायद अवेलेबल नहीं है, क्या पता, मुझे पता नहीं है नथन एलिस के बारे में, लेकिन अगर आता है तो भाई खेलेंगे नथन एलिस को लेकर। ठीक है, लेकिन खिलाड़ी बढ़िया है। तो चलो अभी जो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, कोलकाता का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, कौन कौन सा प्लेयर चलने वाला है, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर से कोलकाता की तरफ से बात करेंगे तो कोलकाता की तरफ से आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा अपना नीतीश राणा जो कि कैप्टन है। ठीक है, ओपन भले ही नहीं करेगा लेकिन फिर भी वेंकटेश अय्यर ओपन करेगा।
लेफ्ट आर्म बैट राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 6 के साथ 2 विकेट, 30 रन, 3 विकेट, 51 के साथ 0 विकेट, 34 के साथ 3 विकेट, बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो। बॉलिंग करते हुए भी आपको दिख सकता है, जरूरी नहीं कि बॉलिंग ही करे, लेकिन भाई बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो। बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी ले सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। जगदीशन की अगर बात करेंगे तो राइट हैंड बैट्समैन 277, 23 और 8, ये जो जगदीशन है ना भाई, इतना बढ़िया खिलाड़ी है, विकेट कीपर बैट्समैन है, इतना बढ़िया खिलाड़ी है, इतना बढ़िया खिलाड़ी है कि क्या ही बताऊं। सिलेक्शन परसेंटेज देखो 2% है। इस इन जगदीशन को आप अपने टीम में शामिल करके कैप्टन वाइस कैप्टन से भी ट्राई कर सकते हो, आपको ग्रैंड लीग तक जिता सकता है ये नारायण जगदीशन। खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, परसेंटेज भी कम है, तो ग्रैंड लीग का तो अच्छा चॉइस बनेगा ही। मनदीप सिंह की अगर बात करेंगे तो 2% सिलेक्शन है। मनदीप सिंह ठीक ठाक प्लेयर है भाई, पंजाब के अगेंस्ट में खेला था लास्ट ईयर शायद, और राइट आर्म मीडियम फास्ट, मैच का मौका नहीं मिला, 6, 128, 11, 41, ठीक ठाक खिलाड़ी है, उतना भी खास नहीं, ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा। वेंकटेश अय्यर लेफ्ट आर्म बैट राइट आर्म और मीडियम फास्ट, 62 के साथ 6 विकेट, अरे भाई 57 के साथ 0, 42 के साथ 0, 28 के साथ 0, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देता है। वेंकटेश अय्यर ने तो लास्ट 2020 को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, अब देखना ये है, सॉरी 2021 को अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, 2022 को उतना खास नहीं था, अब देखना ये है कि 2023 में कैसा परफॉर्मेंस देता है कौन, अपना वेंकटेश अय्यर। परसेंटेज ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकर चल सकते हो। 92% एंड्रे रसेल कहीं बताऊँ राइट आर्म फास्ट है, 1 के साथ 0, 30 के साथ 1, 1 विकेट, 15 के साथ 2 और 1 विकेट। देखो जो लोग ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो ठीक है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना थोड़ा सा रसेल को ड्रॉप करके जाने का, ठीक है। रसेल का अभी रिसेंट फॉर्म तो अच्छा चल नहीं रहा, अब वो सिलेक्शन देखो 92% का है, तो उसी लिहाज से मैं बोलूँगा रसेल को थोड़ा सा ड्रॉप करके चलने का कोशिश करना जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हो, ठीक है। रिंकू सिंह की अगर बात करें लेफ्ट हैंड बैट्समैन 3 रन अरे 11 रन, ये जो रिंकू सिंह है ना 11% सिलेक्शन है, ग्रैंड लीग का ट्रंप कार्ड होने वाला है कौन, रिंकू सिंह, ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रैंड लीग का ट्रंप कार्ड होने वाला है रिंकू सिंह, तो ग्रैंड लीग में आप इसको जरूर पिक करके चलना। सुनील नारायण लेफ्ट आर्म राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 1-1, 1-0, 8 के साथ 2 विकेट, 39 के साथ 1 विकेट, 10 के साथ 1 विकेट, खास इंपॉर्टेंस होने नहीं वाला तो मैं तो ट्राई नहीं करने वाला। सरदार ठाकुर राइट आर्म मीडियम फास्ट, 2 विकेट 1 विकेट, 25 के साथ 3 विकेट, 0 विकेट, ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो। कैप्टन वाइस कैप्टन से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो सरदार ठाकुर को। यहाँ पर अपना देखना होगा टीम साउदी बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हो। टीम साउदी को अच्छा खासा बॉलर है, भले ओपनिंग में ये भी 3 ओवर कंप्लीट कर लेता है लेकिन भाई विकेट भी दिलाता है बहुत टाइम, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ठीक ठाक लास्ट मैच में, भाई क्या ही बताऊँ मैं, वरुण चक्रवर्ती को उतना खास तरीके से ट्राई नहीं करने वाला। अगर कोलकाता का टीम पहले बॉलिंग करता है तो दैट केस में मैं शायद वरुण चक्रवर्ती को टीम में रखूं, अदरवाइज ना रखूं। लॉकी फर्गसन राइट मीडियम फास्ट, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, देखो यहाँ पर लॉकी फर्गसन भी ओपनिंग में बॉलिंग करता है और यहाँ पर से टीम साउदी भी ओपनिंग में बॉलिंग करता है, यानी कि टीम साउदी 3 ओवर, लॉकी 2 ओवर, सरदल 1 ओवर, पावर प्ले खत्म, 6 ओवर खत्म, और बाकी के जो है ये डेथ में आएगा ये मान करते हो सरदुल 3 और यहाँ पर लॉकी 2 और टीम साउदी 1, शायद ऐसा हो सकता है शायद, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी जो हम लोग कोलकाता का देखेंगे कि वेन्यू में क्या परफॉर्मेंस है और हेड टू हेड में क्या परफॉर्मेंस है अपना और पंजाब के अगेंस्ट में क्या ऐसा क्या है, तो चलो दोस्तों अभी थोड़ा सा देख लेते। उससे पहले मैं बता दूं ट्रम्प कार्ड प्लेयर, यहाँ पर से इंपॉर्टेंट से प्लेयर बता देता हूँ, नीतीश राणा, डबल स्टार जो देंगे वो ज़्यादा ट्रम्प कार्ड होगा, ठीक है। नीतीश राणा, जगदीशन, ठीक है, फिर यहाँ पर से मनदीप सिंह नहीं, वेंकटेश अय्यर, चलो सिंगल, एंड्रे रसेल, रिंकू सिंह भी सिंगल, ठीक है, सुनील नारायण, सरदार ठाकुर यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ प्लेयर है जो इंपॉर्टेंसी होने वाले हैं कहाँ से, अपना कोलकाता के तरफ से, यहाँ पर मनदीप सिंह को भी पकड़ सकते हो, ठीक है, सिंगल में। ये कुछ प्लेयर है जो इंपॉर्टेंस होने वाला है कोलकाता के तरफ से, अभी हम लोग देख लेंगे चेन्नई यानी कि कोलकाता का परफॉर्मेंस कैसा है। तो जैसे हम लोग देखेंगे लास्ट 30 मैचों में कोलकाता ने विन किया 20 मैच, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अब नीतीश राणा का पंजाब के अगेंस्ट में 12 मैच में 209 रन है और 1 विकेट निकाला है, अब एवरेज निकालने के लिए जाओगे तो लगभग 20 का गिरेगा, ठीक है। फिर आपको देखना होगा 1 मैच में 1 विकेट इस वेन्यू पर। मनदीप सिंह की अगर बात करेंगे तो 7 मैचों में 120 रन पंजाब के अगेंस्ट में और यहाँ पर 28 मैच में 436 रन के साथ 1 विकेट निकाला है इस ग्राउंड पर, तो यहाँ पर जो है उतना खास तो परफॉर्मेंस है नहीं मनदीप सिंह का भी। वेंकटेश अय्यर का 2 मैच में 70 रन के साथ 1 विकेट, एवरेज निकालने के लिए जाओगे तो 40 का एवरेज है, जैसे कि मैंने बताया वेन्यू में मैच नहीं है। रसेल 12 मैच में 331 रन के साथ 15 विकेट, खास इंपॉर्टेंस होने नहीं वाला है लेकिन विकेट टेकर होने की वजह से टीम में शामिल कर सकते हो। 2 मैच में 24 रन के साथ 1 विकेट वेन्यू में भी खास
कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। रिंकू सिंह एक मैच में भाई मैच का मौका नहीं मिला, एक मैच में भी वेन्यू में मौका नहीं मिला। चलो सुनील नारायण 22 मैच में 132 रन के साथ 32 विकेट, तो विकेट कहीं ना कहीं यहाँ पर रसेल और अपना नारिन जो है विकेट के तरफ से आपको पॉइंट दे सकता है। सरदल ठाकुर ने 9 मैच में 17 विकेट निकाला और यहाँ पर भेनू में एक मैच में 2 विकेट, सुनील नारायण ने भेनू में 6 मैच में 12 विकेट निकाला है, तो भेनू में सुनील नारायण का कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा खासा योगदान रहता है। टीम साउदी 9 मैच में 8 विकेट, पंजाब के अगेंस्ट में 3 मैच में 3 विकेट भेनू में। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती 5 में 4 विकेट पंजाब के अगेंस्ट में। यहाँ पर लॉकी फर्गसन 4 में 4 विकेट। यहाँ पर उमेश यादव 20 मैच में 33 विकेट। उमेश यादव एक ट्रम्पकर्ड प्लेयर हो सकता है, ध्यान रखना उमेश यादव एक ट्रम्पकर्ड प्लेयर हो सकता है। भेनू में किसी का भी मैच नहीं है, सिर्फ उमेश यादव का है, 4 मैच में 4 विकेट, तो उमेश यादव आपको अच्छा खासा विकेट लेकर दे सकता है, ये चीज़ ध्यान रखियो। तो चलो अभी जो है हम लोग फिलहाल के लिए देख लेंगे नेक्स्ट यानी कि प्लेयर बैटल क्या होने वाला है। पहले हम लोग देखेंगे पंजाब का प्लेयर बैटल, सही है। तो पंजाब का प्लेयर बैटल जैसे ही देखेंगे, शिखर धवन को कितना बंदों ने, मैंने जैसे कि बताया फ्लॉप होने वाला है, ग्रैंड लीग में जो लोग खेल रहे हो वो लोग ड्रॉप करके चलना, कैसे किस लिए बोला हूँ अब पता चल जाएगा। शिखर धवन को टीम साउदी ने 45 गेंदों पर 42 रन दिया, 3 बार विकेट निकाला, तो शिखर धवन जो है टीम साउदी के यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ। सरदल ठाकुर ने 49 गेंदों पर 74 रन दिया, 3 बार विकेट निकाला, भले ही रन लुटाया हो लेकिन विकेट भी निकाला है शिखर धवन का, वो भी 3 बार, एक आध बार नहीं 3 बार। डेविड ओइसी ने 4 गेंद फेंका, 5 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला, यानी कि डेविड ओइसी के सामने भी शिखर धवन बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। फिर वरुण चक्रवर्ती के सामने 31 गेंदों पर 30 रन, 2 बार विकेट निकाला, यानी कि वरुण चक्रवर्ती भी जो है शिखर धवन का भाई बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। सुनील नारायण के सामने 76 गेंदों पर 85 रन, 2 बार विकेट निकाला, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खेलता हुआ सुनील नारायण के सामने 76 गेंदों पर 85 रन, यानी कि अच्छा ही खेल रहा है। लेकिन बाकी के जो 4 प्लेयर है सऊदी ठाकुर वैसे और भरुण चक्रवर्ती ने आउट किया है। अब मान के चलो सऊदी से बच गया तो सरदल ठाकुर के हाथ जाकर जाएगा, सरदल से भी बच गया तो वैसी से जाएगा, वैसी से भी बच गया तो भरुण चक्रवर्ती से जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन मुझे इस मैच में फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हरप्रीत ब्रार का उमेश यादव ने 2 गेंदों पर 0 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला। राहुल चार ने उमेश यादव ने राहुल चार को 2 गेंदों पर 0 रन, 1 बार विकेट निकाला। सरदल ठाकुर ने रावड़ा को 2 गेंदों पर 6 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला। तो थोड़ा सा प्लेयर बैटल में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शिखर धवन का ही प्लेयर बैटल मिला है, बाकी प्लेयर का तो मुझे मिला नहीं, और अगर मिलता है वो सारा जो चीज़ है मैं लाइव पर बता दूंगा। सॉरी अभी चल लेता हूँ हम लोग कोलकाता का प्लेयर बैटल देखने। तो कोलकाता का प्लेयर बैटल जैसे देखेंगे, आपको यहाँ पर पहले ही देखने को मिलेगा सुनील नारायण को रवाड़ा ने 23 गेंदों पर 13 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला। तो सुनील नारायण जो है रवाड़ा के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस। नीतीश राणा को राहुल चौहान ने 25 गेंदों पर 19 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला, तो यहाँ पर भी नीतीश राणा जो है राहुल चौहान के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। फिर रसेल को सैम कुरन ने 19 गेंदों पर 11 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला। रवाड़ा ने 60 गेंदों पर 27 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला, सॉरी 27 गेंदों पर 60 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्ट्रगल तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ही खेलता हुआ नजर आ रहा है, रसेल अच्छे से दोनों को ही खेलता हुआ आ रहा है। वेंकट सैयर की अगर बात करेंगे तो रवाड़ा ने 14 गेंदों पर 11 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला, ठीक है वेंकट सैयर को खास नहीं। और यहाँ पर राहुल चार ने 25 गेंदों पर 15 रन दिया, 1 बार विकेट निकाला, तो यहाँ पर 15 गेंदों पर 25 रन दिया। और यहाँ पर फिर आपको देखने को मनदीप सिंह ऋषि धवन के सामने 8 रन दिया, कितना गेंदों पर 9 गेंदों पर, और विकेट 1 बार निकाला। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ मनदीप सिंह ऋषि धवन के सामने। अभी हम लोग देखेंगे कि बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन से कौन कौन सा प्लेयर होने वाला है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इस ग्राउंड पर ओपनिंग और डेथ बॉलर कौन कौन सा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो अपना बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी का जो खिताब ले चुका है इस मैच का, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो होने वाला पहला रसेल, दूसरा धवन, मैथ्यूसर तीसरा, लियाम लिविंगस्टन चौथा, पांचवा आपको देखने को मिल जाए सैम कुरन, और छठवा आपको देखने को मिल जाए सुनील नारायण। ये कुछ प्लेयर है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। अब इनमें से भी आपको बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी चाहिए तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो हो जाएगा अपना यहाँ पर से मैथ्यूसर, ठीक है, दूसरा लियाम लिविंगस्टन, तीसरा यहाँ पर से और कोई नहीं है, यही दो प्लेयर मेरा नज़र में बेस्ट हो रहा है। आप अगर चाहो तो दैट केस में यहाँ पर रसेल को ले सकते हो। तो ये तीन प्लेयर मेरे लिए इम्पोर्टेंसी होने वाला है। अभी देखेंगे
कि ओपनिंग में बॉल कौन कौन सा प्लेयर करने वाला है, डेथ में बॉल कौन कौन सा प्लेयर करने वाला है। तो जैसे ही देखेंगे स्ट्राइकर बॉलर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से लॉकी फर्गसन ओपनिंग में बॉलिंग करेगा और उसके साथ साथ टीम साउदी बॉलिंग करेगा। ये दो प्लेयर जो है ओपनिंग में बॉलिंग करेगा 3+2, ठीक है, और उसके साथ साथ एक ओवर आएगा सरदार ठाकुर। फिर डेथ में आएगा लॉकी फर्गसन, रसेल और टीम साउदी, ये तीन प्लेयर जो है डेथ में बॉलिंग करने आएगा। यानी कि सरदार ठाकुर जो है बीच में बॉलिंग करेगा, 7 से लेकर 16 ओवर के बीच में सरदार ठाकुर जो है अपना ओवर कंप्लीट करेगा। ये होने वाला स्ट्राइकर बॉलर और डेथ बॉलर। अभी देखेंगे पंजाब की तरफ से स्ट्राइकर में कौन कौन आने वाला, डेथ में कौन कौन आने वाला है। पंजाब की तरफ से स्ट्राइकर में आने वाला अजदीप सिंह, मैथ्यू शॉट और सैम कुरन, ये तीन प्लेयर जो है ओपनिंग में बॉलिंग करने आएगा पंजाब की तरफ से। और डेथ में जो बॉलिंग करने आएगा अजदीप सिंह, किशाको रबाडा और सैम कुरन। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर किशाको रबाडा ओपन करने आएगा, ठीक है, और अजदीप सिंह और सैम कुरन डेथ में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं और टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। टीम कॉम्बिनेशन देखने से पहले याद दिला देता हूँ आपको, अगर आप भी अपना लॉस कवर करना चाहते हो तो जरूर से जरूर जाकर माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। वीडियो कैसा लगा है एक वीडियो को लाइक देते हुए समझा देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हाँ जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों अभी जो है हम लोग फिलहाल के लिए बात करेंगे किस टॉपिक पर, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन कौन कौन सा प्लेयर होने वाला। तो जैसे हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन यहां पर देखेंगे, सॉरी टीम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं ताकि आसानी हो, है ना, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। चलो बड़ा कर लेता हूं, अभी बड़ा कर लिया, अभी आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। देखो हम लोग जो है विकेट कीपर में रखेंगे यहां पर एन जगदीशन को, देख लो भाई देख लो एन जगदीशन को, ठीक है। दूसरा हम लोग रखेंगे यहाँ पर, जो रखेंगे बैटिंग में किस किस को रखेंगे, है ना, बैटिंग में हम लोग रखेंगे शेखर धवन, रिस्क ले सकते हो इसके ऊपर, नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर, ये तीन प्लेयर को जो है हम लोग अपना बैटिंग सेक्शन में रखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में हम लोग किस किस को रखने वाला है। तो देखो ये रहा अपना ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन। ऑलराउंडर पर हम लोग रखेंगे चार प्लेयर, किसको, पहला तो रखेंगे रसेल, दूसरा रखेंगे लिविंगस्टोन, तीसरा सैम कुरन और चौथा अपना रखेंगे मैथ्यू शॉट। ये चार प्लेयर अपना ऑलराउंडर में होने वाला है, और बॉलिंग सेक्शन में होने वाला अपना किशाको रबाडा, अर्शदीप सिंह एंड सरदार ठाकुर, ये होने वाला अपना बॉलिंग सेक्शन। अब आप अगर चाहो तो ये रबाडा की जगह पर यहाँ पर आप जो है टीम सऊदी को रख सकते हो ये रबाडा की जगह पर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये होने वाला है अपना फिलहाल के लिए टीम कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन कौन सा होने वाला है। चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी जो इस टीम पर हम लोग ट्राई करने वाले, पहला तो हम लोग ट्राई करेंगे रसेल को कैप्टन, दूसरा ट्राई करेंगे लिविंगस्टोन को वाइस कैप्टन। लेकिन अगर ये थोड़ा सा रिस्की टीम है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो दैट केस में हम लोग कैप्टन करेंगे मैथ्यू शॉट को और वाइस कैप्टनसी करेंगे लिविंगस्टोन, और भाई इधर से हम लोग सरदार ठाकुर को वाइस कैप्टनसी कर सकते हैं। दैट केस हम लोग थोड़ा बहुत अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर रबाडा की जगह पर हम लोग राहुल चाहर को भी रख सकते हैं अपना टीम पर। फुल एंड फाइनल जो टीम कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो कैसा लगा है नीचे कॉमेंट सेक्शन पर बताते हुए जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय। Bye.